আসসালামু আলাইকুম গাইস, দিস ইজ আলি। ওর আজকে ভিডিও মে আমি ডিসকাস করতে বালে হ্যাঁ কি আপনি কোন কোন সে গেমিং প্ল্যাটফর্মস মিলতে আর আপনি কিন কিন প্ল্যাটফর্মস পর গেমিং কর সকতে হ্যায়। মগর উসসে পহলে মে ইয়ে অ্যানাউন্সমেন্ট করতে চলু কি মে ইস চ্যানেল পে এক ছোটা সা গিভ অ্যাওয়ে কর দুঁ, জিসমে এক মেকানিক্যাল কিবোর্ড আর গেমিং মাউস জেসি চিজে শামিল হ্যায়। আগর আপ ইসমে পার্টিসিপেট করনা চাহতে হ্যায় তো মেরি ভিডিও দেখতে রহিয়ে। আগে মেনে ইয়ে পার্ট এড কিয়া হুয়া কি আপকো ইসমে পার্টিসিপেশন কেসে লেনি হ্যায়। तो बात करें गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको गेमिंग के लिए मिल जाते हैं, मगर इनमें से चंद ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं वो ज़्यादा मशहूर हैं तो मैं उन्हें इस वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। जिनमें से सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्लेटफॉर्म वो है पीसी। पीसी के बाद हमारे कंसोल आते हैं, उसके बाद मोबाइल गेमर्स आते हैं, फिर जाके हमारे गेमपैड गेमर आते हैं। तो बात करें अपने पीसी और पीसी गेमर्स की तो भाई इन्हें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती, यानी इन्हें कोई रोकने वाला नहीं। ये चाहें तो कोई भी पायरेटेड गेम डाउनलोड कर सकते हैं या गेम को बाय कर सकते हैं। अपनी गेम्स में ये हैक करके भी उसे खेल सकते हैं या मोड इंस्टॉल करके भी अपनी गेम को ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। दूसरी बात, इनकी कोई बजट लिमिट भी नहीं होती, यानी कि जो 3000 के पीसी पर गेमिंग कर रहे हैं वो भी एक पीसी गेमर खिलाएगा, और जो 3 लाख के पीसी पर गेमिंग कर रहे हैं वो भी एक पीसी गेमर ही खिलाएगा। और मज़े की बात तो ये है कि आप अब जब भी चाहे अपने पीसी को अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कि आपका नया वर्जन आ गया तो आपने प्रोसेसर नए वर्जन के लगा दिया, आपकी पॉकेट अगर उसकी इजाज़त देती है तो आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं। आपके पास स्पेस कम पड़ रहा है, आपने 1 TB की हार्ड ड्राइव निकाली और 3 TB की लगा दी, इसी तरह आप बाकी कंपोनेंट भी चेंज कर सकते हैं। बाकी दूसरी बात यह आती है कि आप इसके साथ कोई भी गैजेट अटैच कर सकते हैं, यानी कि जो इसके VR हो गए, जो इसके जो एसेसरी में स्टेयरिंग व्हील वगैरह आते हैं, आप इसे अटैच करके गेमिंग कर सकते हैं अगर वो उसके साथ कंफर्टेबल है तो। यानी कि पीसी की आप जितनी तारीफ करो भाई उतनी तारीफ कम है, पीसी गेमर्स की जितनी तारीफ करो उतनी तारीफ कम होती है। अब बात करते हैं अपने कंसोल गेमर और कंसोल्स की। कंसोल बेसिकली डिजाइनिंग गेमिंग के लिए किया गया है, इसीलिए इसको कुछ कह ही नहीं सकते। इसके जो FPS होते हैं ये पीसी से ज़्यादा स्मूदर होते हैं, पीसी से ज़्यादा स्मूथ होते हैं, क्योंकि इनके जो रेंडरिंग इफेक्ट होता है वो उससे ज़्यादा अच्छा होता है। आप कहीं भी सर्च करके देख लें, आपको इसके जो है फ्रेम रेट ज़्यादा स्मूथ मिलेंगे पीसी के मुकाबले। मगर बात करें इसके प्राइस की तो आपको 1 लाख रुपए का अगर आप कंसोल ले रहे तो आपको उसकी 10,000 की CD खरीदनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अगर वो गेम ऑनलाइन खेलनी है तो आपको उसकी मेंबरशिप खरीदनी पड़ेगी 5-6 हज़ार की। मतलब क्या क्यों भाई, आप एक गेम की ओरिजिनल लाइसेंस वाली कॉपी खरीद लो फिर आपको उसको ऑनलाइन खेल लें तो आप एक मेंबरशिप लोगे, ऐसा क्यों समझ नहीं आता भाई। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। दूसरी बात ये, आप अपने कंसोल को अपग्रेड नहीं कर सकते, जो उसकी स्टोरेज होती है हार्ड ड्राइव होती है आप उसको सिर्फ अपग्रेड कर सकते हैं, बाकी और कोई चीज़ आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि कंसोल पे आपको लिमिटेड गेम मिलती है, क्योंकि जो कंसोल जब लॉन्च होते हैं उस टाइम पीरियड पे जितनी भी गेम फेमस होती है और पॉपुलर होती है वो उसको उनके साथ लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि उनके जो कंसोल के सेल्स बने। हालांकि देखा जाए तो कंसोल पे पुरानी गेम्स भी प्लेएबल होनी चाहिए ताकि बंदा ज़्यादा एंजॉय कर सके। और एक बात ये आती है कि जो कंसोल गेमर होते हैं उनका एटीट्यूड हमेशा हाई रहता है, क्योंकि वो हमेशा यही कहते रहते हैं कि भाई हमारे कंसोल के साथ कोई ना कोई लिमिटेड गेम उसके साथ लॉन्च की गई है जो आप PC पे नहीं खेल सकते। हालांकि ये लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं, कुछ अरसे बाद उसका एमुलेटर आ जाएगा और वो ये गेम खेल सकेंगे। टाइम ज़रूर लगेगा मगर ये गेम भी प्लेएबल होगी PC पर। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि PC बेकार है एक कंसोल से, तो उनको ये बता दूं भाई, जिस कंसोल पर तुम गेमिंग कर रहे हो ना, पहले तो इसका डिज़ाइन भी उसी PC में बनाएगा और जो गेम खेल रहे हो वो भी उसी PC पर डिज़ाइन की गई है, इसीलिए बोलना बंद करो। अब आते हैं अपनी तीसरी टाइप या कैटेगरी की तरफ, तो वो है मोबाइल गेमर्स। मोबाइल गेमर्स को यार दूसरे जो कंसोल और PC के जो प्लेयर्स हैं वो इन्हें गेमर ही नहीं समझते, पता नहीं क्यों भाई ये हेट क्यों इन्हें मिलती है। अगर आप किसी फेसबुक के पेज पे ये पोस्ट कर दो कि आप क्या सोचते हैं मोबाइल गेमर्स के बारे में तो आपको ये कमेंट मिलते हैं, मगर सीधे हाथ पे अगर आप देखें तो कुछ लोग अच्छे भी जो इन्हें सपोर्ट करते हैं। मोबाइल गेमर्स भी गेमर्स ही होते हैं, क्योंकि यार याद करो जब तुमने पहली गेम खेली थी तो 33:10 पे स्नेक वाली गेम ही खेली होगी। बेसिकली आप मोबाइल पे अच्छी गेमिंग इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया था, तो इसे गेमिंग के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया था, इसीलिए आप इस पर अच्छी गेमिंग नहीं कर सकते थे। मगर वक्त के साथ साथ मोबाइल में चेंज आते गए, 8 GB रैम और 256 स्टोरेज के साथ मोबाइल आने लगे, जिन पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, गेमिंग की अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। आजकल तो अच्छी अच्छी गेम्स लॉन्च कर दी गई हैं, जैसे कि आप अच्छी गेम में देख लें, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल हो गई, पबजी मोबाइल हो गई, पबजी मोबाइल पबजी PC से ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा अर्निंग कर चुकी है।
पबजी मोबाइल ज्यादा अर्निंग कर चुके हैं, तो सोचो यार, यानी कि इसका मतलब ये बनते 80% प्लेयर जो हैं वो मोबाइल पे गेमिंग करते हैं, 100 में से 80% जो प्लेयर हैं वो मोबाइल पर गेमिंग करते हैं। बाकी देखे जाए बड़े टाइटल में तो हमें सन एंड रियाज भी मिलती है और GTA Vice City भी हमें इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। आहिस्ता आहिस्ता देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी आगे जाके और हमें आगे अच्छे मोबाइल भी मिलने लगेंगे जिसमें आप अच्छे अच्छे टाइटल खेल सकोगे। अभी के लिए यही टाइटल है तो इन्हें एंजॉय करो भाई। देखा जाए इस पे गेमिंग की और अर्निंग की तो आप स्टार एनोनमस को देख सकते हो भाई, उसने मोबाइल पे गेमिंग स्टार्ट की और उससे अर्निंग की, अब जाके वो भाई पबजी का किंग बना बैठा है। तो सोचो क्या क्या हो सकता है, बस आपका दिल होना चाहिए बड़ा कि आपको इस पे एक काम करना है तो आप कर जाओगे भाई, टेंशन नहीं लो, मोबाइल भी एक गेमिंग का प्लेटफॉर्म ही। तो अब मैं वो अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ जिसका आपको कब से इंतजार था, आपने इसकी वजह से मेरी वीडियो क्लिक की है, तो वो है गिव अवे। तो गिव अवे जो मैं आज करने जा रहा हूँ उसमें मेरा ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड शामिल है, ये चेरी ब्लू बटन के साथ आते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है, मैंने इसको अभी परचेस किया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये मुझे 4000 PKR में मिला है। बेसिकली चाइनीज़ ब्रांड का कीबोर्ड है मगर ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का है। आप इसकी जो है कीज़ की जो है ना प्रेसिंग आप सुन सकते हैं कि किस तरह की फीलिंग आने वाली है गेमिंग करने में। बाकी जो इसका RGB लुक है मैं आगे उसकी जो है शॉर्ट्स जो है थोड़े से अटैच कर दूंगा, आप उन्हें देख सकते हैं। बाद जो दूसरी चीज आती है वो है हमारा ब्लडी J95S माउस, बिल्कुल 0 meter माउस है भाई। खाली इसकी जो है मैंने अनबॉक्सिंग की थी, सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग की है, वो भी चैनल पे ही, ये देखें 1 week पहले या 2 week पहले मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी, उसके पास यूज ही नहीं किया भाई, ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैं सोचा ये भी किसी को गिव अवे कर दूं। तो जो तीसरी चीज़ हम लोग गिव अवे करने जा रहे हैं वो है ये लुमिनस के गेमिंग हेडसेट। ये हेडसेट में गिव अवे नहीं करना चाह रहा था मगर मुझे ये करने पड़ रहे हैं क्योंकि इनका जो साइज़ है मेरे ईयर्स के साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मुझे इन्हें जो है ना बड़ा मसला होता है इन्हें पहनने में। बाकी जो बात की जाए इसकी क्वालिटी की तो क्वालिटी में भाई फुल एंड फाइनल क्वालिटी है, बड़ा मज़ा आता है इनके साथ। और इसमें आपको RGB लुक तो नहीं मिलता, बस ब्लू लाइट जलती है, बाकी इसकी माइक की क्वालिटी भी बड़ी A1 क्वालिटी है, बड़ी ज़बरदस्त है। ये भी बिल्कुल 0 meter है, मैं आपको इसके लुक्स दिखा दे। जो लास्ट चीज़ जो है हमारी इस गिव अवे के जो हम लोग गिव अवे करने जा रहे हैं वो है ये ब्लडी का माउस पैड। ये ब्लडी का माउस पैड है जो जिसका साइज़ आप देख सकते हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये इसका साइज़ है भाई, बिल्कुल जो है ना फीलिंग बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आप मेरे गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, उसके बाद जाके एक कमेंट करना है जिसमें आप कुछ भी लिख के उसके आगे अपनी इंस्टाग्राम की ID जरूर मेंशन करनी है, जो यूज़र नेम है
वो आपने जरूर मेंशन करना है ताकि मैं आपको कॉन्टेक्ट कर सकूं। भाई कॉन्टेंट बोर्ड जो है ना, कॉन्टेक्ट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर मैं आपको ये नहीं दे पाऊंगा। कॉन्टेक्ट करूंगा तभी तो आपसे मैं बात करूंगा कि भाई आपको मैं डिलीवर करूँ, आप अपना एड्रेस बताओ, उसके बगैर मैं जो है किसी और को ये चीज़ दे दूंगा। इसीलिए यार अपना जो है यूज़र नेम इंस्टा का ज़रूर मेंशन करिएगा। बस आखिर में जो है आपने बस करना क्या है, अपना यूज़र नेम डालना है, कोई भी कमेंट लिखना है यूज़र नेम डालना है और आखिर में लिख देना है /GIV। बस आपने यही करना है और कुछ नहीं करना है, बस आप मेरे गिव अवे में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। तो अब बात करें इस गिव अवे की डेट की, तो इसकी डेट तो मैं कोई अनाउंस नहीं कर रहा, बस मैं इतना बता रहा हूँ कि जैसे ही मेरे चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, 2000 सब्सक्राइबर जैसे पूरे हो जाएंगे मैं लाइव आके इसे गिव अवे कर दूंगा। लाइव में भाई आपको कोई फ्रॉड भी नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं लाइव आके गिव अवे कर दूंगा। और सबसे आखिर में हम बात करने वाले अपने गेम पैड वाले गेमर्स के लिए, तो गेम पैड वाले गेमर्स के लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप